हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो मैंने बनाया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब कानून की जानकारी रखना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। कई बार हम ऐसी गलती कर लेते हैं कि हमें पता नहीं था। जी पता नहीं था, ये मतलब किसी ने आपका बहाना नहीं सुनना, आपका नुकसान होना तय हो जाता है। बिवेयर द बायर, मतलब खरीदार खबरदार, खरीदार खुद ही खबरदार रहेगा तभी जाके बात बनेगी। इसमें मैं एक तो 2006-07 की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम राजस्थान में काम कर रहे थे, राजस्थान में हमारे साथ एक लड़का था, उसने अपनी इंडिका कार वहीं पर 12 जिले में खुशियारा गांव है उसके एक रेजिडेंट को, जिसका नाम रवि किरार था, उसको भेज दी। और रवि किरार ने सारी की सारी पेमेंट उस लड़के को कर दी। और लड़के को पेमेंट करने के बाद वो लड़के ने उसको कागज जो उसके NOC वगैरह थे, NOC वगैरह नहीं दिए, कुछ और जो कागज देने थे उसके नाम पर ट्रांसफ़र करानी थी, ट्रांसफ़र भी नहीं करवाई। तो हुआ क्या, फिर वो बार बार उसको फ़ोन करता रहा और वो आदमी वहां से राजस्थान से छोड़ के चंडीगढ़ में आ गया। तो वो उसको बार बार फोन करता रहा, उसको फॉलोअप करता रहा, वो आज आ रहा हूँ जी, कल आ रहा हूँ, नहीं आ रहा। आप पास उसके बाद फिर मेरे को भी उसने फोन करके कहा कि सर ऐसे ऐसे आपके पास कोई लड़का काम करता था, उसने हमें ये कार बेची थी, आपको पता है, तो आप उसको ये हमारा डॉक्यूमेंट्स का काम तो करवा दे, ट्रांसफ़र तो करवा दो आप। तो मैंने कहा यार उसका नंबर ही नहीं मेरे पास, अब तो छोड़ के चला गया वो। तो वो छोड़ के चला गया, तो उसके नाम पर जो कार थी वो रवि को जो बेची थी, तो रवि पाँच छः साल इंतज़ार करने के बाद भी अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। सो ना तो कार उसके नाम पर ट्रांसफ़र हुई और ना ही वो अपनी कहीं कार को आगे ले जा सकता था, कोई अपने तरीके से मॉडिफाई करना है, कुछ और करना है, या कार के साथ कहीं बाहर अंदर जाना है, तो वो कागज है नहीं थे, तो कागजों की वजह से वो लेके नहीं जाता था। अब रवि ने क्या गलती की, रवि ने जिस दिन उसको पेमेंट करी थी, रवि किरार ने जिस दिन उसको पेमेंट करी थी उसी दिन उसके NOC वगैरह सारी की सारी पेमेंट करने के बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेने बनते थे, लेकिन गुड फेथ कह लो या उसको पता नहीं था, उसने सारी की सारी पेमेंट कर दी और कागज नहीं पूरे लिए, और कागज पूरे ना लेने की वजह से 4-5-6 साल उसके पीछे लगा रहा। मेरे को अभी भी नहीं पता कि वो गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, और वो गाड़ी का मॉडल भी पुराना था। अब तो मेरा ख्याल गाड़ी भी हो सकता है 50,000-60,000 की रहेगी हो, लेकिन उसने पूरी पेमेंट देने के बाद भी ना वो गाड़ी को चला सका ना वो आगे बेच सका। इन बातों से आपने बचना है। यदि आपको पता लग जाए, आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपको पता लग जाए, डॉक्यूमेंट के तो यार कम से कम आप पूरा कर लो। डॉक्यूमेंट आपको नहीं पता तो किसी आदमी से पूछ लो, जानकार से पूछ लो। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, जैसे मैं मेरे से पूछ सकते हो, जो आदमी कारों का काम करता है कार वाले से पूछ सकते हो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई और किसी तरीके से, कोई आदमी जिस तरीके की आप डील करते हो उसकी पूरी पेमेंट करने से पहले पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके साथ कोई भी गड़बड़ ना हो। सो दोस्तों, ये तो पहला केस स्टडी था। दूसरा केस स्टडी जो इसमें है वो हमारे किसी जानकार दलबीर सिंह है, पटियाला में देवीगढ़ एक तहसील पड़ती है, देवीगढ़ में उसने अपने रिश्तेदार को ज़मीन लेके दे दी, 70 लाख रुपए की ज़मीन लेके दी। और 70 लाख में जो पार्टी ने ज़मीन बेची वो दो भाई थे, दो भाइयों का आपस में तकसीम का उन्होंने दावा किया होता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मतलब ज़मीन का बंटवारा करना लीगली, तो उन्होंने किया होता। वो पैसे लेते रहे और तो रजिस्ट्री करवाने के लिए कहते रहे कि अब हमारा बंटवारा हो जाएगा जी, फिर हम आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। इनसे पहले उसने 18 लाख रुपये लिया, फिर 25 लाख लिया, फिर 30 लाख लिया, फिर 50 लाख रुपये तक चला गया इनका रजिस्ट्री, टोटल सौदा 70 लाख का था। 50 लाख रुपया दलबीर सिंह ने देने के बाद भी उस ज़मीन की अपने नाम पर ना कब्जा लेने की कोशिश की और ना रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की। वो जैसे जैसे वो बोलते गए उसी तरीके के से उनकी बातों में आता चला गया। जबकि बिवेयर द बायर, तो मैं यही कहता हूँ कि आप जो खरीदार है वो खबरदार रहे, आप उसकी बातों में आके उसको पेमेंट देता चला गया। और उसके बाद जब उनके हाथ से बात निकल गई तो मेरे को बात करी, मैं उनके पास गया, मैंने जाके उनको कहा भाई तुम्हारी तो पेमेंट 10-15 लाख रुपये रह गई है, तो अपनी पेमेंट लो, तो हमारे नाम पर रजिस्ट्री करवा दो। वो कहते जी रजिस्ट्री तो हम नहीं करवा सकते। हमने कहा चलो पावर ऑफ अटॉर्नी करवा दो, तो कहते जी पावर ऑफ अटॉर्नी करवा देते हैं, हमारे से बाकी पैसे भी ले लिए और तब जाके उसने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कराई। और आप सुन के हैरान हो गए कि एक हफ्ते बाद ही वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी कैंसिल करवा दी उसने। अब दलबीर सिंह ने जिस आदमी को अपने रिश्तेदार को जमीन लेके दी थी वो जमीन इसी तरीके से फंसी है, मतलब 70 लाख रुपया वहां चला गया जितने, उसके बाद कोर्ट की जो कोर्ट फीस है उसके ऊपर पैसे लगे, वकील को पैसे देने पड़े, ना मतलब उसको जमीन मिली है और ना ही उसको पैसे मिले वापस, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये आपने ध्यान रखना यार,
कभी भी आप ऐसी गलती करते हो 25% से ज़्यादा 25% से ज़्यादा अमाउंट पार्टी को चाहिए, तो आप इस बात के लिए जिद करो कि हमें कब्जा दो या हमें रजिस्ट्री करो, तब जाके हम रजिस्ट्री आपको पैसे देंगे। वो कहता है जी मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत तो तुम्हारी है, तो ज़रूरत उसकी ज़रूरत के लिए हमने अपनी मतलब अपना हाथ तो नहीं फंसा लेना मशीन में, तो उसकी ज़रूरत है तो ठीक है उसको बोलो कि आपको आपकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, लेकिन इसके बाद हमें इतनी रजिस्ट्री करवा के दो तब पेमेंट करेंगे। यदि ये दलबीर सिंह ने गलती ना की होती तो 100% आज उसका पैसा ना फंसा होता। अब पता नहीं ज़मीन भी नहीं मिली और ऊपर से कोर्ट केस रोज जब जब भी तरीक पड़ती है जाना पड़ता है, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा कभी वो खर्चा, और पीस ऑफ माइंड जो ख़राब हो रहा है वो अलग। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप पेमेंट करते हो, चाहे कार की पेमेंट करो, चाहे ज़मीन की पेमेंट करो, चाहे कंप्यूटर की पेमेंट करो, चाहे किसी इंटो वाले की पेमेंट करो, अपना आप सही हर एक एंगल से सही करके करनी है, ताकि आप पैसा देने के बाद भी कोई टेंशन ना खरीद लो। यदि टेंशन आएगी तो फिर आपको मतलब ये कोर्ट में भी जा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं और अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, उल्टा मतलब हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो भी ख़राब हो गया। तो इस बात से आपने बचना है। सो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो का जो मैसेज है वो आपको समझ आ जाएगा कि आपने एज ए परचेजर बीवेयर रहना है, सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है, आपके साथ गड़बड़ ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पसंद आएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करके शेयर कर देना, और आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।